फाइव जो कि 12 मई को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आने वाली है आज हमारे साथ इनके प्रोड्यूसर गुंजन हैं साथ में आइए जानते हैं इनसे कि क्या स्टोरी लाइन है क्या आपको देखने को मिलेगा सो क्या उम्मीदें रखनी चाहिए व्यूवर्स को क्योंकि जो ट्रेलर भी सामने आया है काफ़ी धूम मचा रहा है काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है दीज आर बोल्ड येट ब्यूटिफुल स्टोरीज हाउ हिंदी ये कैसे आई मीन वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो वुमेन uh, को हमेशा ये दिखाया गया कि अगर वो सिगरेट पीती है या उसकी कुछ इच्छाएं हैं डिज़ायर्स हैं तो उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव में देखा जाता है पोट्रे किया जाता है तो मेरा मानना है कि uh, अच्छे अच्छी दीज आर गुड पीपल ये अच्छी वुमेन ओरिएटेड वुमेन प्रटॉगनिस्ड फिल्म है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वुमेन मैंने किरदार uh, दिखाए हमने दिखाने चाहे हैं जो कि एन औरतें uh, हैं एंड हाउ गुड पीपल कैन शो ग्रे शेड्स टू इन ऑल लाइफ सरकम उसको हिंदी में बोले तो कि कैसे अच्छे लोगों की अगर कुछ इच्छाएँ हैं डिज़ायर्स हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बुरे लोग हैं दीज आर नॉट एलियंस सो होपली विल इन्जॉय बट देर इज़ नो न्यूरिटी वेरी वेरी क्रिस्पी नेवर टोल्ड बिफोर स्टोरीज बट आपको इसमें किस सीन भी नहीं दिखेगा um, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि बोल्ड कहानियाँ दिखाने के लिए वी हैव टू इंकॉपरेट न्यूरिटी फॉर द हैक ऑफ इट आई डेंट वट टू क्रिएट सॉफ्ट पॉन मुझे मेरा मुझे दिखाना था कि um, कैसे कुछ बोल्ड मुद्दों को एक नई तरीके से दर्शाया जा सकता है जी ऐसे में क्योंकि आपने इस फिल्म को लिखा भी है प्रोड्यूस भी किया है क्या सोच रही कहाँ से ये इंस्पर, आ, इंस्परेशन आई थी क्योंकि हमने देखा है कि ये जो एक टॉपिक भी है या फिर आप ख़ुद यहाँ से नहीं हैं आप एन आर आई वाइफ में कह सकती हूँ आप हैं सो ऐसे में किस तरह का इंस्परेशन रहा है इस फिल्म को लेकर ब्यूटिफुल um, मैं यहीं से हूँ हम एन के मन में हिंदुस्तान इस कदर तक बसता है कि मैं इसको शब्दों में बयाँ नहीं कर सकती सो जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात करें द uh, uh, जो दूसरा रीज़न है इन कहानियों को दिखाने का जो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जैसे रैमा ने भी बताया कि जो बहुत सारी एन आर आई ऑरिएटेड फिल्म बनी हैं वो या तो मिसिंग इंडिया मिसिंग होम या शावा शावा यू you नो know, टाइप फिल्में हैं यहाँ पे और वो कहते हैं ना कि बहुत सारे इंडियंस uh, हैं हमारे ऑफकोर्स वी लव दैम बट ओ जी मैनू uh, ले चलो uh, uh, मैनू कनेडा ले चलो या मैं यू एस ए ले चलो मैं पंजाबी हूँ ओब्वियसली और मैं तो uh, तो लेकिन आई वॉन्ट टू शो कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन आर आई लाइफ इट्स नॉट ऑल ग्लैम मैं नहीं कहती आप आइए ज़रूर आइए uh, मेरा तो बिजनेस जॉब जीनी का है बट आई वॉन्ट टू शो कि हमारे स्ट्रगल्स क्या हैं क्या हमारे उतार चढ़ाव हैं हमारी लाइफ के और कैसे उन स्ट्रगल्स के थ्रू क्योंकि हस्बैंड वाइफ अकेले हम बीग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट कैसे हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं चाहे लॉन् मोइंग हो स्नो क्लिनिंग हो बाहर की घर के छोटे चोट छोटे काम हमको बहुत ज़्यादा अपने आप करने पड़ते हैं तो उन रिलेशनशिप्स में कैसे इम्पैक्ट होता है क्या दिक्कतें आती हैं और uh, उससे क्या चैलेंजेज होते हैं पर uh, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम वी एन आर आइज हम बड़े स्टक इन टाइम पीपल होते हैं वी आर वेरी कनेक्टेड टू अपनी रूट्स अपने एथिक्स वैल्यूज मेरी हिंदी बहुत अच्छी है बट एकदम में थोड़ा अंग्रेजी एकदम से सॉरी सामने आ रही है बट या दैट्स वॉट द इंटेंडेस के वी आर वेरी सेकेंड टाइम पीपल वी आर वेरी कनेक्ट विद रूट्स एंड वैल्यूज एंड हाउ वी डवेल बिटवीन अपने लव और डिज़ायर्स के बीच में क्योंकि प्यार तो होता ही है किसी रिश्ते में आप साथ में हों तो आपके हस्बैंड साथ में हो इतने सालों से पर क्या कभी आकर्षण हो तो आप परस्यू करें या नहीं करें सो so, ये दिखाना चाह है जी।, जी ऐसे में शादी के बाद अक्सर महिलाओं को काफ़ी टैग्स किए जाते हैं चाहे है जैसे आप कह भी रहती है उनके डिज़ायर्स को लेकर करियर को लेकर ऐसे में अगर बॉलीवुड में भी बात की जाए एक्ट्रेसेस की तो कई बार यू नो जो महिलाओं की शादी हो गई है बच्चे हो गए काजल की बात की जाए ऐश्वर्या की बात की जाए रिसेंटली ऐश्वर्या को भी ट्रोल किया गया था उनके लुक को लेकर और कहा था कि बहुत आउटडेटेड है स्कूल अपडेट नहीं हुई हैं अभी तक काजल को कई बार किया जाता है तो ऐसे में आप इन चीजों को किस तरह से देखती है जो इंटरनेट ट्रोलिंग भी है साथ ही महिलाओं को एक एज के बाद कि अब तो बूढ़ी हो गई है अभी आपको काम नहीं करना चाहिए या फिर किसी यंग एक्टर के अपोजिट इन्हें कास्ट नहीं किया जाना चाहिए हाउ डू यू सी दिसमीट रिपीटिंग ऐसे में आप किस तरह से देखती हैं जब महिलाओं को इस तरह से टैग किया जाता है चाहे बॉलीवुड की महिलाओं हो या फिर अन्य कोई भी महिला हो उनको um, मुझे लगता है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है और बाकी ट्रोलिंग हो रही है तो हो रही है आई थिंक नो बडी डिफाइन्स आर रिस्पेक्ट बट आर वी आर सेल्फ तो कोई कोई लोग बोल रहे हैं तो क्या है हाथी को मैं हाथी हूँ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं तो मैं अपने अंदर बसे ईश्वर के अलावा किसी और को स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं सो दैट्स वट आई बिलीव इन इट्स ओके लेट पीपल से जिसको जो बोलना है वो बोलेगा आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते पर आप अपनी ज़िंदगी एज़ लॉन्ग एज़ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए अपने अंदर के ईश्वर को आ, अपने क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक ईश्वर बसा होता है एज लॉन्ग एज आप अपने अपने आप को जस्टिफाइड हैं तो ठीक है जो लोग कह रहे हैं कह रहे हैं यू you नो know, जी ऐसे में इंडिया में कोर्ट में अभी रिसेंटली सुनवाई भी हुई थी एल मैरिज को लेकर आप इसे किस तरह से देखते हैं क्योंकि उन्हें बार बार लड़ना पड़ रहा है अपने हक के लिए लीगली इसे कब तक एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए और इतना मुश्किल क्यों हो रहा है उनके लिए जी सो so, uh, मुझे खुशी है कि आई मीन अगेन आई लव इंडिया बट मुझे ख़ुशी है अमेरिका में एल जी बी टी कम्यूनिटी को बहुत यू uh, नो you know, अपनी ज़िंदगी से अपने हिसाब से जीने का हक़ दिया गया है क्योंकि हर इंसान को प्यार करने का हक़ है और uh, तो हम हम क्यों किसी की लाइफ में बाधा बने यू you नो know? उनको अपनी ज़िंदगी जीने देने का काश हमारे लॉज ऐसे हो जाएँ कि सब अपनी ज़िंदगी से अपने अपनी खुशी से जी सकें सो दैट्स बड़ आई होप एंड प्रे फ्रॉम इंडिया एज़ वेल दैट हम और प्रोग्रेस कर सकें इन इन विचारों पर भी जी, जी. वैसे मैं आपकी जो फिल्म भी है एन आर आई वाई बहुत ही मल्टी स्टारर है भाग्यश्री हितेन रायमा कई सारे स्टार्स हैं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है इसे पूरा शूट करने का क्या कुछ डिफिकल्टीज़ आई ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज़ तो कौन सी जॉब होती है कौन सा प्रोफेशन होता है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आते बहुत कुछ सीखने को मिला वी फील ब्लेस्ड के एज अ न्यू फिल्म मेकर मैं तो इस फिल्म इंडस्ट्री से हूँ ही नहीं मैं तो uh, मेरी कोर टीम में वुमेन है uh, हम लोगों ने बहुत ही uh, शिद्दत से मेहनत से बनाया है बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इन सब स्टार्स ने बहुत सपोर्ट किया बहुत योगदान किया एंड या uh, yeah, uh, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे uh, मैं यू you नो know, वादे अक्सर टूटने के लिए बनते हैं कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो मैं यही आपसे दरख्वास्त करूँगी कि बारह मई को आप सपोर्ट कीजिए हमारी फ़िल्म का क्योंकि हमने कुछ नया दिखाने की कोशिश की है हमने सुना कि हमारी फिल्म में मीट नहीं है ज़्यादा स्किन शो नहीं है तो मैं आपसे पूछती हूँ आज की जनता से पूछती हूँ कि अगर आप कुछ नया सिनेमा देखना चाहते हैं आप मानते हैं कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए हटके होना चाहिए तो प्लीज़ आप पाँच सौ रुपये दो सौ रुपये की भी टिकट है टिकट खरीद कर, के एक बार फिल्म देखिए तो सही और हम हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे और आपका सहयोग होगा, होगा अगर आप एज़ अ मैं मानती हूँ मैं एक साधारण दो बच्चों की माँ हूँ और मेरा ये मानना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिकम्स ओनली एक्स्ट्रा विदाउट ऑर्डनरी तो साधारण लोग जुट कर अच्छी फिल्म बना सकते हैं और इसीलिए इतने अच्छे स्टार्स ने हमारा साथ दिया और ये फिल्म बनाने में आ, आप इन्जॉय करेंगे ऐसे में क्योंकि हमने देखा है भाग्यश्री या फिर रैमा की बात की जाए या फिर और भी दूसरे जो कास्ट हैं आपके इनको ऑन स्क्रीन उस तरह से कंफर्टेबल करवा पाना कितना मुश्किल रहा या आसान रहा था बहुत उस तरह से बहुत आसान रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी जैसे कि जुगल हंसराज हैं भाग्यश्री हैं अदिति गोवित्रिकर हैं समीर सोनी हैं मतलब भाग्यश्री की एक इमेज है राइट right? मैंने प्यार किया से जुगल हंसराज की एक मासूम सी एक इमेज है मुझे बहुत सारे एक्टर्स ने इसलिए सिर्फ हाँ बोला कि गुंजन तुम इन कहानियों को क्योंकि एक नए तरीके से दिखा रही हो एक नए रूप से प्रे, प्रेजेंट कर रही हो इसलिए और क्योंकि आप देखेंगे जैसे महाभारत में जाकर आप राम बन के निकलते हैं हमारी फिल्म में एक किस भी नहीं है ये कहानियाँ एंटरटेनिंग हैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है बट दे, दे, ये ठरकी नहीं है इस, दिस दिस इज़ फॉर इंटेलिजेंट मेच्योर बहुत ही एलिगेंटली ग्रेसफुली हमने इसको दर्शाया है कोशिश की है लास्टली से इतना जानना चाहूँगी क्योंकि इसे थिएटर्स में रिलीज़ किया जा रहा है हाल फिलहाल में थिएटर्स का हालत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है बड़ी बड़ी फिल्में पिट जा रही हैं क्या उम्मीद है आपको कि इस फिल्म को क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं ज़्यादा ध्यान उस पर होगा तो उम्मीद है आपको कि फिल्म अच्छा कर पाएगी ऊपर वाला जानता है कौन क्या डिजर्व करता है मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली ये मांगने वाली और जनता जो होती है ना वो मुझे लगता है बहुत सारे बहुत सारे अच्छे लोग हैं दुनिया में आज भी एंड वही उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ चमत्कार होगा और और क्योंकि कंटेंट इज़ द किंग आज की आजकल यू नो बड़े बड़े मल्टी स्टार स्टारकास्ट फिल्में भी कई बार यू नो पर हर फिल्म जो होती है ना वो बड़ी शिद्दत से बनाई जाती है चाहे वो उसमें अरबों रुपया लगा हो चाहे थोड़े पैसों में बनी हो बड़ी शिद्दत से बनाई हमने फिल्म पर आपको कंटेंट पसंद आएगा आ, 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 आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं आप शायद बातों से या समझ सकते हैं कि सच में कंटेंट अच्छा बना हुआ है So, ऐसे में एन आर आई वाइस बारह मई को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आपको दिखेगी कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ रोशन विश्वकर्मा आज तक